Hello and welcome back to the Medico Girl. In this video, we are going to discuss about Unit 1, Part 1, Hospital and its organization. For notes, you can join our Telegram channel. So, first of all, let's see about hospital. The word hospital is derived from Latin word hospitalis. ठीक है, तो जो वर्ड हॉस्पिटल है वो हमने लैटिन वर्ड से डराइव किया हुआ है, जो कि है हॉस्पिटैलिस, जो कि फर्दर डराइव्ड है फ्रेंच वर्ड से हॉस्प्स, विच मीन्स होस्ट और गेस्ट. The definition of a hospital is that hospital is an institution or an organization. ये एक institution है या फिर एक organization है which is scientifically or economically organized, क्योंकि scientifically और economically बना हुआ है किसके लिए, for prevention, प्रिवेंट करने के लिए, क्योर, डायग्नोसिस, रिहैबिलिटेशन, ट्रीटमेंट, टीचिंग एंड रिसर्च. तो जो हॉस्पिटल है वो हमारा ये सब काम करता है. देन कुछ हॉस्पिटल्स बेसिकली टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, जो कि सिर्फ टीचिंग एंड ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए होते हैं. देन जो हॉस्पिटल होता है, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ मेनली डिज़ाइंड फॉर केयर ऑफ सिक, इंजर्ड एंड वेल. इट इज़ अ सेंटर फॉर training of health workers and biosocial researchers. A team of trained staff is there and they use specialized scientific equipments. ठीक है, तो जो हॉस्पिटल है ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. देन ये हमारी केयर के लिए मेनली डिज़ाइन है. यहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है और यहाँ पर ट्रेंड स्टाफ होता है और स्पेशलाइज साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं. देन आता है हमारा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल. तो फंक्शंस में हम ये सब भी लिख सकते हैं, प्रिवेंशन, क्योर, डायग्नोसिस, रिहैबिलिटेशन, ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, टीचिंग, रिसर्च. इसके अलावा पेशेंट केयर, प्राइमरी सर्विस जो आती है हॉस्पिटल की, वो क्या होती है, पेशेंट केयर, क्योंकि पेशेंट को ट्रीट करता है. देन आउट पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च होती है एंड मेनली प्रमोशन ऑफ हेल्थ. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी हॉस्पिटल्स आर द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट. मतलब कि ये फर्स्ट लेवल है जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है, और वी कैन से इट्स द फर्स्ट अप्रोचिंग सेंटर, जहाँ पे हम सबसे पहले पहुँचते हैं. तो ये बेसिकली हमारा रूरल एरियाज़ में होता है और यहाँ पे 100 बेड से कम बेड्स होते हैं. ये प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करता है और मिनिमम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ यहाँ पे होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लोकल केयर होती है यहाँ पे. देन इसमें जनरल प्रैक्टिशनर्स प्रेजेंट होते हैं, फैमिली फिजिशियंस आते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं. मेनली इसका काम क्या होता है, हेल्थ प्रमोशन, काउंसलिंग, एडवाइजिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम्स. देन ये इंक्लूड करते हैं फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीजेज, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेज, इंजरीज, और बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, सप्लाई ऑफ
वाइटल सर्विसेज जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर और रेफरल सर्विसेज होती हैं यहाँ की सबसे मेन, देन मेटर्निटी चाइल्ड हेल्थ केयर, देन कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल स्टैट्स जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं कि रेशियोज आते हैं, एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इसके अंडर आते हैं। देन जो सेकेंडरी हेल्थ केयर वाला डिपार्टमेंट होता है ये हमारा फर्स्ट रेफरल सेंटर होता है, यानी कि जो प्राइमरी वाला है वो रेफ़र करता है और रेफ़र होने के बाद जो पर्सन है वो यहाँ आता है। प्राइमरी में हमारे एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि हमारी डिस्पेंसरी और मोहल्ला क्लिनिक्स, वो प्राइमरी में आते हैं। देन जो सेकेंडरी है हमारे, उसमें 100 से ज़्यादा बेड्स होते हैं लेकिन 500 बेड से कम बेड्स होते हैं। ये हमें कंप्लीट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, मेडिकल एजुकेशन भी देती हैं और ये रिसर्च वाला काम भी करता है रीजनल बेसिस पे, यानी कि रीजन टू रीजन। जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है इसमें हमारे आते हैं सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। जो सेकेंडरी हेल्थ सेंटर होता है ये इंक्लूड करता है हमारे जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट और बाकी सारे स्पेशलिस्ट्स। देन ये तब सर्विसेज मिलती है जब उन्हें रेफर किया जाता है कहीं से। देन ये इंटरमीडिएट होता है यानी कि बीच में आता है प्राइमरी और टर्शरी के। देन इसमें आते हैं हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। देन जो सेकेंडरी हॉस्पिटल्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं डिस्ट्रिक्ट, हेल्थ सिस्टम एंड कंट्री हेल्थ सिस्टम। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम होता है ये फोकस करता है चाइल्ड हेल्थ एंड मेटर्निटी केयर पे। तो जो पीपल पॉपुलेशन होती है सिस्टम की वो है 25,000 से लेकर के 50,000 तक की, और इसमें वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स इंक्लूडेड होते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं। देन इनके पास रेफरल्स आते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से और ये 24 आवर्स के लिए ओपन होते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं इनमें इमरजेंसी सर्विसेज होती है, न्यूनेटल केयर होती है, कॉम्प्रहेंसिव इमरजेंसी ऑब्स्ट्रिक एक्सेट्रा, और ये 24 आवर्स के लिए हर दिन खुलते हैं। देन जो हमारे कंट्री वाले होते हैं, कंट्री हेल्थ सिस्टम, इसमें हॉस्पिटल को रेफरल आता है कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट से। कंट्री वाले को रेफरल आता है डिस्ट्रिक्ट से और बाकी सारी कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम से, और ये गायनेकोलॉजिक सर्विसेज, जनरल मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स और जनरल सर्जरी की जैसी सर्विसेज देती है, और ये भी 24 आवर्स के लिए ओपन रहता है। देन गोल को अचीव करने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर के तो जो WHO है उसने कुछ गाइडलाइंस दी है हमें 5, जो कि है कि इंक्रीज करना स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, स्टेक होल्डर की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करो। देन इंटीग्रेट हेल्थ इनटू ऑल सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स में
हेल्थ को लाओ, देन लोगों की नीड्स के हिसाब से और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइज करो हेल्थ सर्विस को, ऑर्गेनाइज करो हमारी नीड्स या फिर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, देन परस्यू करो कोलैबोरेटिव मॉडल्स पॉलिसी डायलॉग के, देन टर्शरी हॉस्पिटल्स में क्या होता है, ये यूजुअली अर्बन एरियाज़ में होता है, देन 500 से ज़्यादा यहाँ पे बेड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पेशल हेल्थ केयर सर्विसेज होती है और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है विद रिगार्ड टू मेडिकल एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देन यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव केयर होती है जो कि यूजुअली होती है जब ये रेफर्ड होती है, जब रेफरल होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी का। यहाँ पे एडवांस्ड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट होती है, देन यहाँ पे इजीली मैनेजमेंट होती है क्रॉनिक डिजीज़ की और रिहैबिलिटेशन सपोर्ट सर्विसेज होती है। इसका एग्जांपल है जैसे कि एम्स हॉस्पिटल, देन इसमें यूजुअली आते ही हैं हमारे हॉस्पिटल्स दोनों रीजनल एंड नेशनल, एंड क्या इंक्लूड करता है, मेडिकल कॉलेजेस। This classification of hospitals into primary, secondary and tertiary is on the basis of healthcare levels. Now let's see. Classification on clinical basis. It includes disease like TB hospital, mental hospital, leprosy hospital, cancer hospital. Then patient. Gynecological, pediatric, type of medicine like allopathic, ayurvedic, yunani, homeopathic, physiotherapy, siddha, then type of service, or we can call it as clinical specialty, which includes general hospital which treats various diseases conditions and it's basically for all type of patients, then specialized which have restricted care, and general specialized which is general but in has a specialized section. Then next is surgery, general surgery, dental surgery, oral surgery, urology, plastic surgery, then specialist like ENT, eye doctor, orthopedic, kidney, diabetes. On non-clinical basis, hospitals are divided according to length of stay, ownership, accreditation, bed capacity, cost, diversity, according to length of stay, it includes daycare, it offers care only during the daytime and patients are discharged generally on the same day, then short term, when 90% of the patients stay for less than 30 days,
like general hospitals. And long term, when 90% of patients stay for more than 30 days, then on the basis of ownership, they are classified as governmental and non-governmental. Like the governmental hospitals, are controlled by the government, and non-governmental can be further divided into two: private non-profit and private for-profit. Like it's private, but one is for profit, like the ones which are controlled by the church, NGOs, religious bodies. And the next is, it's divided on the basis of accreditation. It can be accredited and it cannot be. So it accredited or non-accredited. Then according to bed capacity, hospitals are classified as very small, small, medium and large. Very smalls are the one that have less than 100 beds, like PDM. And small contains 100 to 500 beds, like Hinduja. Medium contains 500 to 1000 beds, like Bombay Hospital. And large contains more than 1000 beds, like KEM. Then on the basis of cost, hospitals are divided into elite and low budget. And according to the diversity, in aim of hospital, it can be teaching, which includes both medicine and teaching purpose, and non-teaching, which have only healthcare service. According to WHO, hospitals are classified as regional, intermediate district and rural. Then regional hospitals provide complex range of treatment and highly specialized services. Yani ki yahan pe bahut zyada specialized services hoti hai. Isme ye larger area ko serve karta hai than local hospital. Then intermediate district hospitals wo hote hain jahan pe major हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है उसकी लोकेलिटी में. एंड जो रूरल वाले होते हैं, ये हमारे रिमोट हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें बहुत कम नंबर ऑफ बेड्स होते हैं, लिमिटेड सर्विसेज होती हैं, और 20 से 100 बेड्स तो यहाँ पे होने ही चाहिए, जैसे कि उपजिला हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं. Now let's talk about organization structure of a hospital. So organization structure, for efficient management to allow and provide different kinds of services. So organization structure aisa hona chahiye ki wahan pe jo management ho wo efficient ho, aur different kinds of services ye hame provide kar sake. Then jo hospital hai, hame pata hai ki ek मल्टी लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि बहुत सारे वहाँ पे काम होते हैं, तो उसमें बहुत सारी कमिटीज़ होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, टाइप ऑफ स्टाफ होती है और सर्विसेज होती है. तो ऑन द सबसे पहले सॉरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, हमारा आता है एक बोर्ड, जिसके बाद आती है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन, थेरापूटिक, डायग्नोस्टिक एंड सपोर्ट. तो जो हमारी इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं, इसमें काम आता है जैसे कि हो गया एडमिशन, बिलिंग, रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, हेल्थ एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज. देन थेरापूटिक में आती है हमारी फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच लैंग्वेज, रेस्पिरेशन थेरेपी, यानी कि इसमें हमारी थेरेपीज आती हैं. पैथोलॉजी, नर्सरी, डाइटरी, मेडिकल साइकोलॉजी, सोशल सर्विसेज, फार्मेसी, स्पोर्ट्स मेडिसिन.
देन आते हैं हमारे डायग्नोस्टिक, इसमें क्या आएगा, डायग्नोसिस होगा, यानी कि इसमें हमारी आ जाएंगी लैब्स, मेडिकल लैब्स, रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इमरजेंसी टेस्ट, MRI, इमेजिंग, एक्सरे एट्सेट्रा। एंड लास्ट वन इज़ द सपोर्ट सर्विसेज, ये होती है हमारी सेंट्रल सप्लाई, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, हाउस कीपिंग, देन मेंटेनेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट। यानी कि जो हमारे वैसे रोल में काम, मतलब वैसे ट्रीटमेंट में काम नहीं कर रहे, लेकिन वो हेल्पिंग स्टाफ है हमारा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टाफ ऑफ डिफरेंट क्लिनिकल डिविजन्स बेस्ड ऑन देयर डिग्री और स्पेशलाइजेशन। तो सबसे पहले इसमें हमारा स्टाफ आता है मेडिसिन डिवीजन, सर्जरी डिवीजन, एसोसिएटेड मेडिकल सर्विसेज एंड सपोर्टिव पैरामेडिकल स्टाफ। ठीक है, तो जो मेडिसिन डिवीजन वाले होते हैं इसमें आते हैं इंटरनल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, जेरियाट्रिक्स, इम्यूनोलॉजी, पेडियाट्रिक्स। देन जो सर्जरी वाले होते हैं इसमें वही सारी जो हमने पहले भी सर्जरी देखी, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनिकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जरी। देन एसोसिएटेड मेडिकल सर्विसेज में आती है हमारी पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री सर्विसेज, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक, मेडिकल सोशल सपोर्टिव डिपार्टमेंट, एनेस्थीसिया सर्विसेज। देन जो सपोर्टिव पैरामेडिकल स्टाफ होता है ये इंक्लूड करती है सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, नर्सिंग डिपार्टमेंट, डाइटरी सर्विसेज, लैब सर्विसेज, ब्लड बैंक, सेंट्रल स्टेराइल, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, क्लिनिकल सर्विस। देन ऑल अदर डिपार्टमेंट्स कैन नॉट फंक्शन विदाउट देम, इनके बिना बाकी डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकते। और जो और इम्पॉर्टेंट नॉन क्लिनिकल सर्विस होती है इसमें क्या आता है, मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट वर्कशॉप्स। लार्ज हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टाफ जो होता है वो डिवाइडेड होता है रेजिडेंशियल, एसोसिएटेड, कंसल्टिंग, हॉनररी। तो जो रेजिडेंशियल वाला होता है उसे 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होना होता है पेशेंट को अटेंड करने के लिए। एसोसिएटेड वाले में आते हैं हमारे फिजिशियंस जिनकी डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। देन जो कंसल्टिंग होते हैं ये भी मेडिकल फिजिशियंस ही होते हैं प्रोफेशनल एबिलिटीज़ के साथ। और जो हॉनररी वाले होते हैं ये हमारे पार्ट टाइम कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ की तरह होते हैं। अब जितने भी सारे हमारे स्टाफ होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो केयर देना एज एथिकल कंडक्ट और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस अपनी मेंबरशिप की। और इनका क्या काम होता है, एडवाइस करना गवर्निंग बॉडी को मेडिकल अफेयर्स के बारे में, और एक्सेप्ट करना अकाउंटेबिलिटी ताकि जो क्वालिटी है केयर की वो अच्छी दी जाए पेशेंट को हॉस्पिटल में। देन गाइड करना जूनियर फिजिशियन को और परफॉर्म करना एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट। That's all for now. We will soon meet with the part 2 of this video. And the notes are uploaded in the Telegram group. The link is given in the description. That's all for now. Thank you. Like, share and subscribe.